हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकते कल के दिन मार्केट की नियत और क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड तीन तीन आईपीओ की होने वाली कल के दिन क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन। और उसी के साथ साथ कल के दिन तो तीन आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है 23rd of October को, बट 24th of October को भी तीन एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। मतलब कि हमारे पास जितना भी पैसा होने वाला है हमें इन 6 आईपीओ में एक साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो वहां पर इन 6 आईपीओ में क्या रहेगी रैंकिंग, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ लक्ष्य पावर टेक की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 5900 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने 4000 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है, बट मार्केट तो गिरती ही जा रही है क्योंकि एफआईआई रेगुलरली बेचते जा रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि मार्केट चाहे काफी टाइम से गिर रही है, बट अभी तक हमें रीजन नहीं पता कि मार्केट क्यों गिर रही है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो रीजन क्या होने वाला है वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, हमें बाद में पता लगेगा जब मार्केट नियर होगा अपना बॉटम बनाने के। एनीवे उसे हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। बट अभी अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं तो कल के दिन दीपक बिल्डर्स, वॉरे इंजीनियर, प्रीमियम प्लास्ट एसएमई, ये तीन आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। और परसों के दिन ओबीएससी परफेक्शन, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर एंड दानिश पावर क्लोज होने वाले हैं। अगर मैं 6 के 6 आईपीओ में रैंकिंग की बात करूं इंक्लूडिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो पहली रैंकिंग पर आता है दीपक बिल्डर्स, सेकंड रैंकिंग पर दानिश पावर देना चाहता हूं मैं और मेरा मन भी है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए क्योंकि मार्केट का मूड मोल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो वहां पर मैं वॉरी इंजीनियर को सेकंड रैंकिंग पर रखूंगा और थर्ड पे रखूंगा दानिश पावर को। फोर्थ रैंकिंग पर आएगा मेरे लिए ओबीएससी परफेक्शन, फिफ्थ पे आएगा प्रीमियम प्लास्ट और सिक्स पर आएगा यूनाइटेड हीट ट्रांसफर। अगर मैं अपने फंड्स को ध्यान में देखते हुए कौन कौन से आईपीओ अप्लाई करूंगा तो वहां पर मेरे पास जितना पैसा है तीन ही आईपीओ को मैं स्टडी कर सकता हूं, और वो तीन आईपीओ पहले तीन वाले होने वाले जिन्हें मैं स्टडी करूंगा। बिकॉज वहां पर एक तो एसएमई में सबसे अच्छा मौका है क्योंकि इसका साइज 200 करोड़ के करीब का है, तो वहां पर सब्सक्रिप्शन एज कम्पेयर टू अदर आईपीओ हमें कम देखने को मिल सकती है, तो वहां पर हमारे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं इसे दानिश पावर को एसएमई आईपीओ में स्टडी करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद तो मेरे पास पैसा बचेगा ही नहीं तो बाकी आईपीओ को मैं स्टडी नहीं करूंगा। अगर मैं बात करूं वॉरे इंजीनियर की, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। कुछ नाम्स को मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में यूज करूंगा, कुछ नाम को मैं करूंगा रिटेल कैटेगरी में बेस्ड ऑन माई फंड मैनेजमेंट। हाँ, अगर मेरे पास स्मॉल एचएनआई जितना पैसा है तो वहां पर मुझे स्मॉल एचएनआई को प्रेफर करना चाहिए या रिटेल को, तो वहां पर रिटेल में हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वहां पर बेस्ट होता है कि हम अलग अलग नामों से अलग अलग डीमेट अकाउंट, मतलब कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में जाए, वो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होता है। बट नहीं, अगर हमें तो स्मॉल एचएनआई में ही खेलना है, हमें तो हमारी किस्मत अजमानी है, तो वहां पर हम स्मॉल एचएनआई में जा सकते, फिर वहां पर सोचने वाला पॉइंट नहीं है। सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है बिग एचएनआई, बट अगर हमारे पास इतना फंड नहीं है तो रिटेल कैटेगरी इज द बेस्ट। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं दीपक बिल्डर्स की, तो क्योंकि मेरे पास भी फंड लिमिटेड हो जाएगा, तो उस वजह से मैं इसको भी सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में स्टडी करूंगा। बिकॉज आईपीओ का साइज छोटा है, तो वहां पर स्मॉल एचएनआई में तो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें इसमें देखने को मिलेगी। हाँ, बट अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है तो मैं इसे बिग एचएनआई में स्टडी करने की कोशिश करता। आई नो कि मार्केट का मूड मोल खराब है, उस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हल्का सा एज कम्पेयर टू वारे इंजीनियर, जहां पर हमारा हल्का सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर मैं कहूं कि अगर मुझे इसे बिग एचएनआई में स्टडी करना था तो मैं स्लाइटली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करता। रही बात प्रीमियम प्लास्ट की, तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं क्योंकि मुझे अपने फंड्स को दानिश पावर में जो भी बचेगा उसमें यूज करना है। फिर भी अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना होता तो वहां पर अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 200x, क्योंकि क्वालिफाइड का इसमें पोर्शन काफी कम होने वाला है, एचएनई में भी 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तब मैं जाकर वहां पर इसे स्टडी करने की कोशिश करता और बींग ए हाईली अग्रेसिव होकर ही स्टडी करता। हाँ, बट ओवरऑल में आईपीओ अच्छे होने वाले हैं सारे के सारे एसएमई,
क्योंकि मेनली जो इनका काम होने वाला है, सभी आईपीओ का काम अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमने इनकी रिव्यू वीडियो में डिस्कशन करी है। बट ये इन सभी आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज स्टडी किया है। बाकी आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में देते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं लक्ष्य पावरटेक एसएमई आईपीओ की, जिसकी होने वाली है लिस्टिंग, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था, बट जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ उन सभी को कॉन्ग्रेट्स। बट अगर मैं इसमें अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो आप सभी को मालूम है कि मेरे एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मोटो था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। हाँ, हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस हमेशा रहेंगे, जैसे कि डिफ्यूजन इंजीनियरिंग हमें मेनलाइन आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, बट उसके लिस्ट होने के बाद वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पर पैसा हमारा उसने ट्रिपल के करीब कर दिया है। मतलब ऐसा कभी ना कभी तो 100 में से 200 में से एक आधा स्टॉक ही ऐसा निकलता है जहां पर हमें ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाता है। आई थिंक काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद ऐसा एक आईपीओ हमें देखने को मिला था जिसमें हमें बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिल गए। बट वहीं पर कुछ आईपीओ ऐसे भी हो जाते हैं जहां पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिलते रहे, हमारा पैसा आधा भी रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें एसएमई में वाइक वोटेक, एक दो एसएमई आईपीओ और भी है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि जल्दी हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाए। अगर लगता है तो कौन सा सर्किट लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। और ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और फिर हमें वहां पर एग्जिट का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से मैं वहां पर इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और ये मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। फिर भी एक ऐसा आईपीओ होने वाला है, एक हालांकि ये पॉइंट मैं एडिशनली बता रहा हूं, मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक ऐसी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी होने वाली है जिसमें 51-52% प्रोबेबिलिटी हो जाती है अपर सर्किट की और रिमेनिंग 48% की हो जाती है लोअर सर्किट की। मैं इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता था 60-70% पर अपर सर्किट की साइड पर, बट मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए उस प्रोबेबिलिटी को मैंने 19-21 पर ही रखा है। बट सीरियसली ये प्योरली और प्योरली गैम्बलिंग का सीन होने वाला है, कौन सा सर्किट लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली और प्योरली सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करेगा, ऑपरेटर पर डिपेंड करेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी कोई एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहाँ आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारा ये था रेजिस्टेंस लेवल और वहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल देखने को मिला, नीचे को आया, जहां पर थोड़ा सा टाइम पास किया हमारे लेवल के पास और इसको फिर से तोड़कर गया नीचे को, और जहां पर जैसे इसकी 100 की मूविंग एवरेज टूटती है फिर से हमें इमीडिएट मूव मिला। मतलब कि आज मार्केट ने एक सिंगल डायरेक्शन में हमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के करीब की मूव दी। अब अगर हम इसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं ना मार्केट को, तो इसने आज के दिन 100 की मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। अब हमारे पास 23,900 तक के लेवल ओपन हो चुके हैं, वैसे तो ये लेवल होने वाला है 23,400 के, जो हमारे पास 200 की मूविंग एवरेज है और ये एक ऐसा रेंज होने वाला है, ये एक ऐसा रेंज होने वाला है, एरिया होने वाला है 400 से 500 पॉइंट का। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली साउंड होते हैं, या फिर अगर हम कहते हैं कि हमें तो लॉन्ग टर्म में जाना है, और ऐसे स्टॉक्स जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जिसमें हमें दिक्कतें कम देखने को मिले अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जाते हैं। मैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स को ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं तो हमेशा म्यूचुअल फंड के साथ ही जाता हूँ। फिर भी अगर हमने स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो एक ऐसा एरिया हो जाएगा जहाँ हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट एनीवे ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मार्केट अपना बॉटम बना लेगी। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 24,700 का रहने वाला है, ये मान ली पहला रेजिस्टेंस हो जाता है जहां से अगर मार्केट हमें इस लेवल पर देखने को मिले तो वहां से हमें रिवर्सल के साइन देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड लेवल हमारे पास आ जाता है 24,900 का, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। नीचे की साइड बात करते हैं, अगर ये आज के दिन का लो कास्ट है तो हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, जहां पर हमारे पास नीचे की साइड अगर मैं मेनली मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो सीधा हमें देखने को मिलेगी
23,900 के लेवल की, उसके बीच में हमारे पास कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। हाँ बट अगर मार्केट कहीं बीच में सपोर्ट लेना चाहे तो ले सकती है, बट वो कहाँ पे लेगी हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं। हाँ मार्केट में अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन बाय चांस मार्केट में खुलता है तो वहां से हमें इमीडिएट डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर वो गैप डाउन काफी अच्छा होता है लाइक 200 से 300 पॉइंट का, तब हमें वहां पर एक डेड कैट बाउंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ जाएगी। बट फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।